तो आइए आज चलते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर राजस्थान में एक बहुत ही खूबसूरत जिला है जिसमें चारों तरफ पहाड़ियां हैं और बीच में जो ये झील आप देख रहे हैं इसका नाम है गायब सागर लेक, गायब सागर झील, जो कि एक आर्टिफिशियल झील है, डूंगरपुर में ही है और बनाई थी महारावल गोपीनाथ जी ने 1428 में। 500 साल पुरानी ये झील चारों तरफ फूलों से सुसज्जित है और बीच में महादेव की मूर्ति जिस पर बरसता रहता है झरना, माँ गंगा बहती रहती है और हाथियों से जल की धारा बहती रहती है। संध्या को सभी साथी यात्रा के अंदर चलते चलते यहाँ आए और सामने जो आप श्वेत रंग का मंदिर देख रहे हैं वो श्रीनाथ जी का मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर, और उसके जस्ट सामने झील में से महादेव पर बरसती हुई ये सुंदर गंगा की धारा और हाथियों के मुख से बहता हुआ ये जल देखिए, अद्भुत। सारे साथियों के साथ खूब सारी बातें हुई और शाम होने पर रोशनी में पूरा शहर मानो लगा नहाने लगा और ऐसा लगा झांक झांक करके रोशनियां और इमारतें झील के अंदर देख रही थी मैं कैसे दिख रही हूँ, और परिंदे अपने घर की ओर उतारू और रंग बिरंगे इस खूबसूरत वातावरण में अद्भुत सा आनंद। डूंगरपुर बहुत ही खूबसूरत एक राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में जिला है और बहुत प्यारी जगह, वहाँ के लोग बहुत प्यारे, वहाँ की संस्कृति बहुत प्यारी और वहाँ का आबो हवा बहुत प्यारा और लोगों का स्वागत इतना प्रेम से लोगों ने किया, मुझे लगता है कि डूंगरपुर तो मेरे दिल में बस जाने वाला है, सदा हृदय में रहने वाला है। और कितना सुंदर है, कितना अद्भुत सुंदर है, और ऊपर से चांद ने आकर के तो उसके सौंदर्य को कई गुना बढ़ा दिया। और वहाँ जाकर जब मैंने देखा कि वहाँ की लोक कला मिट्टी से कितने सुंदर आर्टिफैक्ट्स, खिलौने नहीं है ये, देखिए वहाँ की संस्कृति को दिखाते हुए अद्भुत सौंदर्य दिखाया। और फिर श्रीनाथ जी के मंदिर में जब हमने प्रवेश किया, अंदर जाकर के देखा और देखा हमने कि किस तरह से प्राचीन पुरातन अभी भी आर्किटेक्चर से बनाया हुआ है, हालांकि कुछ रिनोवेशन में अभी नए दरवाजे वगैरह लग गए हैं, कई तरह के शिखर यहाँ पर मौजूद है। और मंदिर के अंदर जाकर के देखा तो काले रंग की जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये अद्भुत माँ का स्वरूप, और सामने महादेव के रूप में घंटा बजाते हुए हमने दर्शन किए और उसके बाद में आनंद आनंद आनंद। आई लव डूंगरपुर। डूंगरपुर वाकई में बहुत सुंदर है, मैं इसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ। पहाड़ियाँ, जल, सदव्यवहार, आई रियली रियली लव डूंगरपुर। मौका मिले तो राजस्थान में डूंगरपुर जरूर आएं। और अनंत अनंत आभार। मैं हूँ कृष्णा शक्ति।